by putting all efforts, came from all the corners, doing day and night. One such machine, it break down. I have to take 2 days' time to get from here to Silapathar and make repair. And in this situation, how much effort we all have put to come in this position. When I came in December, 1st December here, I took around 5 hours to come from Silapathar to Assam. Now I'm coming 2.5 hours. So rather than appreciate, I feel bad, everybody is telling me we are bad, bad, bad. So sorry if you feel bad. So थोड़ा सा ये दुख हुआ इसलिए हम अपना पूरी मंजिल पर रखा। अगर मैं गलती हुआ है आप लोग जो सजेशन देगा आई एम रेडी टू रेक्टिफाई एज ए एम पी सत्यनारायण की तरफ से मैं ये वादा करता हूँ इवन दो आई एम 16 करोड़ माइनस नो बडी कैन डू सर 20% माइनस इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन ऑफ आवर जीएम एंड आई अप्रिशिएट टू माई एम डी हू हैज टेकन द चैलेंज यू नो बिकॉज ऑफ किरण रिजिजू इज डायरेक्टली टॉक टू हिम If first you complete this project, we will see you. They are told me. लगाया है अभी इसका लेबर जो है लेके हम लोग को दिखा रहे हैं इसको सीमेंट के साथ बोले ये 90% मट्टी है इसमें लेबर इसको लगाता है बोल के हम लोग को बेलसा में लेके दिखाया है आप लोग देखिए ये बालू है ना नहीं है और रेड ये रिवर बेस बालू है कि नहीं फाइनल ये मट्टी है देखिए कोई भी लेमैन बता सकता है ये मट्टी है इंजीनियर लोग गाइड नहीं करता है देखता नहीं है कराता नहीं है ये लोग खुशी मर्जी बाती को ले आपका स्वागत है इंडियन प्राइम न्यूज अरुणाचल प्रदेश मैं इस वक्त है जहां मौजूद है मैं आपको बता दूं मैं लफारादा क्षेत्र के बाजार पे हूं और हमारे साथ आज मौजूद है माननीय न्याय और कानून मंत्री किरण रिजिजू के निजी सचिव हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने कुछ महीने पहले जो बाम तो अखाजन रोड का निरीक्षण किया था हमारे माननीय जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू के निर्देश पे तो सर इस पे आप लोगों को क्या क्या उस पे जो कमियां है उसे आप देखने को मिला जितने भी कमियां थी हम लोग जो सत्यनारायण कंपनी के साथ और एनएचआईडीसीएल के साथ परसों भी 9 तारीख को भी हम लोग एक साथ लिकावाली से फिर एक टीम बना के हम लोग जहाँ जहाँ में लास्ट टाइम कुछ कमियाँ थी और जीआरके और अलोंग से एक ग्रुप आया था जीआरके बसार से भी आया था तो उनका जहाँ जहाँ में कंप्लेन था वो हमने फिर परसों अभी 9 तारीख को फिर जाके एक बार चेक किया था तो लगा है कि कहीं ना कहीं इनका उसको तोड़ के फिर से उन्होंने मतलब कंपनी लोगों ने फिर से उसको तोड़ के नया से बनाने का कोशिश कर रहा है तो मैं भी बोल के आया हूँ कि रिजिजू साहब का प्रॉमिस था जितना जल्दी हो सकेगा ये रोड को वेस्ट सियांग लपारादा सीयूमी सियांग डिस्ट्रिक्ट को और अपर सुबनसिरी को जितना जल्दी हो सकेगा ये रास्ता को पब्लिक को देने के लिए किरण रिजिजू साहब का जो प्रॉमिस है उसी में हम लोग चल रहा है कि बाई जून तक ये रास्ता को हम पब्लिक को दे देंगे सौंप देंगे ये रोड सर इससे पहले सुनने में और ये देखने में आए थे कि इससे पहले भी कई कंपनियां आए थे वहाँ पे तो उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस रास्ते को लेके सर तो जो कंपनी जो चले गए थे 4 साल उस जो 4 या 3 कंपनी आए थे वो चले इसके सर कारण क्या हो सकता था सर ये वो टेंडर का कुछ प्रोसेस था जिसमें पहले 5 कंपनियां ऑलरेडी आके फिर ये काम को छोड़ के चली गया तभी वो जो नया कंपनी है सत्यनारायण जो अभी जो कर रहे हैं इन ये जो कंपनी अभी 1 साल पहले लिया और इनका डेडलाइन है मेरे ख्याल से अगस्त तक तो ये मुझे एश्योर किया है कि मैं बाय जून लास्ट तक ये रोड को हमारा पब्लिक को दे देंगे क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ आता है जो हमें भी उतना पता नहीं है लेकिन ये जो कंपनी जो कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ से कि जितना जल्दी हो सके अच्छी तरह काम करके मेंटेन करके ये रोड को हमें देने जो जिस तरह लास्ट टाइम भी हमें प्रॉमिस किया था और मैं परसों भी उनके साथ फिर मीटिंग बैठा और वो हमारे साथ अप टू ईगो तक आया था ईगो ब्रिज तक आया था तो उस समय भी वो उनका ऑफिशियल सब मुझे एश्योर करके गया कि बाय जून वी विल हैंड ओवर दिस रोड टू द पीपल ऑफ
दिस डिस्ट्रिक्ट। हमारे जो माननीय जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है रिजिजू का भी एक सर का भी एक सपना है कि वो हमारे जो यहाँ के लेपारादा क्षेत्र के और वेस्ट सियांग सीयोमी और दापोरिजो और यहाँ से आपकी सियांग बेल्ट भी जाते हैं, उन लोगों को जितनी हो सके जल्द से जल्द जो रास्ते का सुविधा है देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से डिले हुआ है। और जब हम भी निरीक्षण में गए थे सर, तो वहाँ पे कुछ कुछ मटेरियल को लेके कंप्रोमाइज़ किया गया था सर, तो उसे जैसा भी आपका कहना है कि जितने भी मटेरियल को कंप्रोमाइज़ किया गया है उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और जो मटेरियल है उसे सही ढंग का दिया जाएगा सर। तो इस पे सर अभी जो आने वाले हैं, जो हमारे लोग हैं जो देख रहे हैं इस चैनल को सर, तो अभी आप उसे क्या बोलना चाहो, क्योंकि आप खुद ही निरीक्षण गए थे और देखे भी, और आपने जैसे कहा कि आप 2 या 3 दिन पहले भी बात किया था, तो रास्ता सर अभी आपका 100 में से 70% जो कंप्लीट है, अभी 30% जो है जल्द कंप्लीट होगा सर। कोई कोई पॉइंट्स में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज चल रहा है जो अभी हम लोग शॉर्ट आउट हो गया है, तो इसीलिए काम थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन जिस तरह काम चल रहा है मैं हम लोग खुश हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा, क्योंकि वो आपको पता है कि 5-6 कॉन्ट्रैक्टर के बाद कहीं ना कहीं मतलब 5-6 कॉन्ट्रैक्ट जो पहले लिया था जो छोड़ के जा रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता होगा अंदर में, मुझे भी खास पता नहीं है, लेकिन अभी जो जो कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है वो मेरे ख्याल से कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सकेगा तो क्वालिटी मेंटेन करके ये रोड को हमें जल्दी दे दे। तो हमारे जितने दर्शक हैं मैं उसे बता दूं, जो हमारे लेपारादा वेस्ट सियांग और जितने भी सियांग बेल्ट है दापोरिजो सीयोमी, उन्हें यह जून तक, इस साल के जून तक, जून महीने तक आपको सही और जो पक्की सड़कें हैं आपको जो मिलने का जो एक सपना दिखाया था किरेन रिजिजू साहब ने, वो सपना जरूर ही संपन्न होगा। तो आप देखते रहिए इंडियन प्राइम न्यूज़, हम आपके साथ बने रहेंगे।